डिप्लोमेसी कूटनीति। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले चर्चा करते हैं कूटनीति का अर्थ। कूटनीति शब्द अंग्रेजी के डिप्लोमेसी का समानार्थी है। वर्ष 1978 में एडमंड वर्क ने इस शब्द का प्रयोग किया था। यह ग्रीक भाषा के डिप्लाई शब्द से बना है जिसका अर्थ है दोहरापन। कूटनीति का सामान्य अर्थ वार्ता को चालाकीपूर्ण चालों से है जिसमें कूटनीतिज्ञ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए संधिकर्ता से ऐसी बातों को करता है जिससे वह अपने हितों की अधिक से अधिक पूर्ति कर सके। दूसरा कार्य निरीक्षण के माध्यम से भी कूटनीतिज्ञ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। तीसरा संरक्षण के द्वारा भी वह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। वह यह हमेशा ध्यान रखता है कि जिस देश से उसके कूटनीतिक संबंध है उस देश में रहने वाले व्यक्तियों के हितों का पोषण कर पाना कूटनीतिज्ञ की सबसे बड़ी चाल मानी जाती है, क्योंकि उस देश में अर्जित किया गया धन अपने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कूटनीति के अन्य कार्यों में प्रतिनिधित्व और जनसंपर्क को मुख्य माना जाता है। कूटनीति के साधन के रूप में कूटनीतिज्ञ अनुनय विनय का मार्ग अपनाता है और इससे अपने हितों को पोषित करता है, पर अगली चाल उसकी समझौता की मानी जाती है। अगर समझौता में भी हितों को पोषित या पूर्ति नहीं होती है तो कूटनीति की धमकी देकर भी अपने हितों को पूरा कर लेता है। कूटनीति को कई प्रकार में बांटकर देखा जाता है, जैसे प्रजातांत्रिक कूटनीति। इस कूटनीति में पूरी स्वतंत्रता को स्थान दिया जाता है, अर्थात इस वार्ता में किसी प्रकार का कोई बंधन लगाया नहीं जाता और विचार विमर्श स्वतंत्र रूप से दिए जाते हैं। कूटनीति में अगला प्रकार व्यक्तिगत कूटनीति को रखा जाता है। इस प्रकार में कूटनीति शासनाध्यक्षों के मध्य समझौता और उनके हस्ताक्षर के द्वारा पूर्ण मानी जाती है। इसके उपरांत वाणिज्यिक कूटनीति भी दो देशों या दो गुटों के बीच अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए की जाती है। इसमें प्रत्येक देश द्वारा आर्थिक हितों को मजबूत करने के लिए समझौता किया जाता है। जैसे किसी देश को कच्चे माल की आवश्यकता है तो दूसरे देश को अपने कच्चे माल को बेचकर अपने राष्ट्र की किसी अन्य आवश्यकता को पूर्ति करने की है। इस प्रकार के किए गए समझौतों जो मात्र अर्थ पर केंद्रित हैं वाणिज्यिक संबंध कहलाते हैं। कुछ कूटनीतिक मामले इस प्रकार के होते हैं जो दोनों देशों के हितों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार के कूटनीतिक प्रकार को संसदात्मक कूटनीतिज्ञ की संज्ञा दी गई है। जैसे परमाणु संबंधी विषय को लेकर अमेरिका और भारत में हुई कूटनीतिक हल संसद पटल के से पास होने के बाद हल हुए। इस प्रकार के कूटनीतिक विषय पूरे देश की नज़र में होने के कारण व्यक्तिगत रूप से हल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये शांति और सुरक्षा पर केंद्रित होते हैं। कुछ कूटनीतिक संबंध देश में आपसी मेल मिलाप बनाने और एकता की स्थापना करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जिसमें सांस्कृतिक कूटनीति को रखा जा सकता है। इस कूटनीति में दो देश अपने अपने संस्कृति को मजबूत करने, उसके प्रसार करने या उसके संरक्षण को प्रदान करने के लिए करते हैं। आर्गनिस्की ने दुकानदार जैसी कूटनीति और योद्धा जैसी कूटनीति में अंतर किया है। ब्रिटिश कूटनीति को दुकानदार जैसी कूटनीति और जर्मनी कूटनीति को योद्धा जैसी कूटनीति कहा है। मॉर्गेंथाउ ने भी अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए कूटनीति को सबसे अच्छा उपाय बताया है। मॉर्गेंथाउ ने कूटनीति के 9 नियमों की चर्चा की है। कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में देखा जा सकता है। अगर इसके प्राचीन काल में रजवाड़ों के काल में देखा जाए तो यह पहले दूत के रूप में कार्य करते थे, पर देशों के उदय के उपरांत उस देश का प्रतिनिधित्व कूटनीतिज्ञ के रूप में भी देखा जा रहा है। अगर कूटनीतिज्ञ योग्य और चतुर है तो अपने देश के हितों का अच्छा प्रतिनिधित्व कर पाता था, नहीं तो हितों की हानि होती थी। आज सूचना तकनीकी के काल में कूटनीतिज्ञ का कार्य क्षेत्र या स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि वह अपने देश के शासक से सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से ही निर्णय लेता है। अब कूटनीति पर मॉर्गेंथाउ के विचार चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है मॉर्गेंथाउ ने कूटनीति के 9 नियमों की चर्चा की जिसके माध्यम से यह समायोजन द्वारा शांति स्थापित कर सकती है। दूसरा है कूटनीति को राजनीतिक क्षेत्र पर दूसरे राष्ट्रों के हितों से अवश्य देखना होगा। तीसरा है विदेश नीति के ध्येयों की परिभाषा राष्ट्रीय हित के अर्थ में अवश्य करनी होगी तथा इसका यथेष्ट शक्ति द्वारा अवश्य पोषण करना होगा। चौथा है कूटनीति को धर्म युद्ध भावना से रहित अवश्य रहना होगा। पांचवा है सशस्त्र सेनाएं विदेशी नीति का यंत्र है, उसकी स्वामी नहीं। छठा है सरकार जनमत की नेता है, इसकी दास नहीं। सात नंबर है एक निर्बल संस्कृत राष्ट्र को अपने लिए कभी निर्णय नहीं करने दीजिए। आठ नंबर है राष्ट्र को उन सभी प्रश्नों पर जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं समझौता करने के लिए इच्छुक रहना होगा। नौ नंबर है अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में न रखिए जहाँ से आप बिना प्रतिष्ठा गंवाए पीछे नहीं हट सके तथा वहां से आप बिना गंभीर संकटों के आगे नहीं बढ़ सके। तथा 10 नंबर है यथार्थ लाभ की वास्तविक हेतु निरर्थक अधिकारों की प्रतिछाया का परित्याग कर दीजिए। फ्रेंड्स,
आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।